नमस्कार आजम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। और अभी शाम का वक्त है, बेसिकली अभी धीरे धीरे रात होने को है, सर्दी का मौसम है। और लालमऊ गांव के आगे जैसे गांव पड़ता है ढोरू करके, वहां से हमें रेस्क्यू के लिए कॉल आया। हम लोग मौके पर आ चुके हैं, तो चलिए चल के देखते हैं गाँव पे और कौन सा सांप है। इस जगह पर सिर्फ एक बुजुर्ग बाबा है और कुछ छोटी बच्चियां हैं, बाकी इनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामने अकेले बुजुर्ग बाबा और एक छोटी बच्ची है। अभी इनके घर पे कोई हुआ नहीं, मतलब इनके जो गार्जियन वो घर पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बात का कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग अकेले सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग सुरक्षित सांप का रेस्क्यू करेंगे। चलें देखिए कहाँ पे, उस साइड भी मुझे लगता लटका होगा, नहीं सिम पूरा लिपटा पड़ा है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग है, जो कि शायद से सर्दी की वजह से काफी ढीला पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में फंसा हुआ है, मतलब ये करकट के नीचे दबा हुआ है। ऐसे में हम लोग सुरक्षित ढंग से इसको रेस्क्यू करेंगे, इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, साथ में अपनी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे। असली हो नाग, नाग नाग हो नाग जी, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि नाग। जो सांप है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर, इसलिए हमें उसको रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर स्टूल भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें खुद से कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ एक तरह से कहें तो लगाना पड़ेगा, ताकि हम भी थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच जाएं और सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर पाए। अभी स्टूल तो है नहीं और घर में अकेले बुजुर्ग बाबा और माता जी हैं, तो हम इनको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे, खुद ब खुद कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा मचिया मिल गया, जिससे कि हम लोग अपना काम कर लेंगे। मजबूत दिख रहा है, काफ़ी मजबूत है, स्टिक बड़ा ले लीजिए। बड़ा स्टिक चाहिए क्या? इस सांप को रेस्क्यू करते वक्त हम लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी इस सांप के लिए और हमारे लिए भी खतरा साबित हो सकता है। हो सकता है हम सांप को रेस्क्यू करने में जल्दबाजी करें और सांप को हल्की फुल्की चोट भी आ सकती है, इसलिए हम लोग थोड़ा वक्त जरूर लगाएंगे, लेकिन सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करेंगे। चाचा मैं ये थोड़ा सा गिरा दे रहा हूँ, बाद में जोड़ लीजिएगा। ले
सांप को ज्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आप लोग देख सकते हैं अग्रेसिव हो गया और काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम लोग पूरी सावधानी के साथ इस रेस्क्यू को करेंगे और इंतजार करेंगे सही वक्त का, जब हम लोग सांप को सही ढंग से रेस्क्यू कर पाए। और आप लोग देख सकते हैं सांप जो है वो एक तरफ से वापस से इस पत्रे के नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो शरीर का ज्यादातर हिस्सा वो बाहर आ गया है और यही सही वक्त है। आप लोग देख सकते हैं सांप पूरी तरह से बाहर आ चुका है। फिलहाल हम लोग बिना वक्त गवाए इसको बाहर की तरफ लेके चलेंगे और बैग में पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा, लेकिन आज नहीं रिलीज करेंगे हम लोग, इसको अगले दिन रिलीज करेंगे क्योंकि अभी रात का वक्त धीरे धीरे होने को आ गया और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो रात में इसको रिलीज करना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही धूप निकलती है हम लोग इसको ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको बाहर लेके चलते हैं और बैग में पैक करते हैं। यही था ना बाबा, मैं आपके डरले का हो सकता ना, तो ही फोन के लिए ला भाई। अच्छा, इसको पैक करते भाई, वो गाड़ी पर से लाल वाला बैग लेके आइए। जब तक कि हम लोग उसको बैग में पैक करते, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों से साझा कर देना चाहता हूँ। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग को भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे कोबरा कहते हैं, कहीं पर इसे नाग कहते हैं, कहीं पर पिटार, तो कहीं पर गेहुअन और कहीं कहीं खरीज भी कहा जाता है। चलिए भी क्या कर सकते हैं, इनके बारे में तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते ना। इन सबको भी सामान्य इंसानों की तरह कोई बीमारी हो सकती है, मतलब जैसे इंसानों को होता है वैसे जानवरों को भी कोई बीमारी हो सकता है, तो ठीक उसी तरह से इसको लगता है कुछ स्टोन वगैरह हो गया। जो सांप है उसके शरीर में छोटा सा ट्यूमर टाइप कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग इनको सुरक्षित ढंग से रिलीज करने के अलावा इनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो प्रॉपर इनके इनको होने वाली बीमारियां उनके बारे में जानकारी नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा हॉस्पिटल है जो स्पेशली रेप्टाइल्स को ट्रीट कर सके। तो हम लोग इसको ऐसे ही रिलीज करेंगे इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनके लिए सबसे सही वही होगा। हम लोग जितना कर सकते हैं इनको बचाने के लिए उतना हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। तो फिलहाल बिना वक्त गवाए इसको बैग में पैक करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं थोड़ा वक्त लेता है फिर तुरंत से चला जाता है। कभी कभी थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन कभी कभी बिना वक्त गवाए तुरंत से चला जाता है। जो भी होता है हम लोग इसको बिना किसी जोर जबरदस्ती के इसकी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको रेस्क्यू करते हैं और इसको बैग में पैक करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा, यह खुद ब खुद बैग के अंदर चला गया। अभी हम लोग इसको सुरक्षित ढंग से पैक कर लेंगे और यहाँ से ले जाने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा, लेकिन आज नहीं अगली सुबह, क्योंकि अभी जो गलन है जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में इसको रिलीज करना ठीक नहीं रहेगा। एक और बात, जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं, आप लोग कभी भी सांपों को ऐसे पकड़ने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा करते तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा पूरा प्रशिक्षण लिया, हमारे पास सांपों के बारे में अच्छी जानकारी था, कई सालों का अनुभव है, तब कहीं जाकर के हम लोग सांपों को इतनी सरलतापूर्वक ट्रीट कर पाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अगली सुबह शाम को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो धूप है वो पूरी तरह से निकली हुई है, यहाँ पर अच्छी खासी धूप आ रही है इस स्थान पर, और एक दिन बाद हम लोग इसीलिए रिलीज करने आए ताकि अच्छे ढंग से धूप रहे और उसको पूरा दिन के वक्त अपने अनुकूलित नया स्थान ढूंढने का पूरा टाइम मिले। ये जंगल काफी बड़ा है और यहाँ पर पानी का भी स्रोत है और इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल जाएगा ताकि इनकी जो जिंदगी है वो अच्छे ढंग से यहाँ पर बीत जाए। इस जंगल में इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है, जिससे कि इंसान भी सुरक्षित है और सांप भी सुरक्षित है। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया।